गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे जिसमें जो प्रयोग उन्होंने किया वो सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रहार किया था। वो डायग्राम अपन ने देख लिया था, मैंने समझा दिया था। अब उन्होंने जो प्रेक्षण लिए उन प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले उस पर अपन देखेंगे आज। तो यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि ये मान लो एक नाभिक है, एक परमाणु है, अब इस परमाणु में ये नाभिक है और नाभिक में धनावेशित भाग है। यहां पर ये अल्फा कण मान लो इस परमाणु की ओर गति कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा कण जो है वो सीधे उस परमाणु में से होते हुए सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण जो है वो न्यून कोण पर निकलते हैं, कुछ अल्फा कण अधिकोण पर निकलते हैं, ये अधिकोण बन रहा है, और कुछ जो अल्फा कण थे वो 180 डिग्री पे, कुछ क्या एक ही अल्फा कोण, एक अल्फा कोण ऐसा था जो ये वापस लौटाया, जो बिल्कुल सेंटर में केंद्रक जो होता है, केंद्र जो होता है जिसको पन्ना भी कहते हैं, उस पर ठीक उसके सामने अगर कोई अल्फा कण गया तो वो 180 डिग्री के कोण पे वापस ही लौट आया। और यहां पर ये न्यून कोण पे और ये अधिक कोण पे। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रेक्षण लिए, ये सारे अल्फा कण गति कर रहे हैं, ये अल्फा कण है जो इस परमाणु के ऊपर सोने की पन्नी पर का जो परमाणु है उस पर प्रहार करते हैं, उसकी ओर गति करते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने प्रेक्षण लिए कि ये अल्फा कण सीधे निकल गए। जो अल्फा कण सीधे निकले, बहुत सारे अल्फा कण सीधे निकले, तो उन्होंने क्या कहा, पहली बात उन्होंने क्या कही कि अधिकांश भाग रिक्त है, अधिकांश भाग रिक्त है, ये उन्होंने पहला पॉइंट दिया। क्यों दिया, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए थे। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर निकले, तो न्यून कोण पर निकले इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि अल्फा कण स्वयं धनावेशित कण है, ये धनावेशित कण है, प्लस आवेश होता है इसके ऊपर, और ये न्यून कोण पर निकले या कुछ घूमे, कुछ प्रतिकर्षित हुए, इसका मतलब यह है कि इस परमाणु में जितना भी धनावेश भाग है वो एक जगह पर केंद्रित है। तो दूसरा पॉइंट न्यून कोण के लिए उन्होंने क्या कहा, जब कण न्यून कोण पर निकले अल्फा कण, तब उन्होंने क्या बताया कि परमाणु का धन भाग, धन भाग मध्य में केंद्रित है, केंद्रित है। तीसरा पॉइंट अधिकोण पर निकले, अधिकोण पर निकले इसका मतलब उन्होंने क्या कहा कि परमाणु में जो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो भी एक जगह पर केंद्रित है, मतलब पूरे परमाणु का जो मोस्टली द्रव्यमान है, अधिकांश जो उसका मास है वो भी उस केंद्रक में ही विद्यमान है। अर्थात उन्होंने ये बात बता दी थी कि प्रोटॉन जो है, जो धनावेशित कण है, उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। तो नाभिक में विद्यमान जो भी कण है उनका जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है। तो ये बात भी उन्होंने बता दी थी कि अधिकोण पर अगर कोई कण निकल रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि
अधिकांश द्रव्यमान व धन भाग अति अल्प भाग पर केंद्रित है। मतलब एक जगह इकट्ठे तो है, केंद्र में इकट्ठे तो है वो, लेकिन बहुत ही छोटे से एरिया में इकट्ठे हैं। और इसी तरह इस छोटी सी एरिया को नाम दिया गया केंद्रक, ठीक है, उसको नाम दिया गया नाभिक। तो ये नाभिक नाम उन्होंने ये बताया कि नाभिक का जो आकार है, जिस पर पूरा धनावेश भाग वहां पर केंद्रित है और परमाणु का अधिकांशतः जो द्रव्यमान है वो भी वही है, उस नाभिक के अंदर ही है, तभी अधिक कोण पर निकले और 2000 कणों में से कम एक कण जो है वो वापस लौट आया था, ठीक है ना। तो वापस लौटने का मतलब ये हुआ कि वहां जो उस भाग में जो द्रव्यमान है वो अल्फा कण का बहुत गुना है। भी कोई चीज सामने बहुत ज्यादा भारी चीज रखी हुई है तभी तो टकरा के कोई कण वापस लौट सकता है, अगर हल्की चीज हो तो टकरा के उसको आगे निस्थापित कर सकता है, हो सकता है ना ऐसा। तो यहाँ पर जो नाभिक के अंदर जो द्रव्यमान है वो अल्फा कण के द्रव्यमान से कई गुना ज्यादा है, इसलिए वो आगे विस्थापित नहीं हुआ और अल्फा कण को ही टकरा के वापस लौटना पड़ा। और टक्कर भी किस प्रकार से हुई, यो स्पर्श करके वो थोड़ी गया था, क्योंकि अल्फा कण खुद धनावेश है, नाभिक धनावेश है, तो वो दूर से प्रतिकर्ष देखो यहाँ पर इस नाभिक से टक्कर नहीं हुई, नाभिक के टच में नहीं हुआ ना, यहीं से यहाँ पर आया और इतना ज्यादा प्रतिकर्षण बल बढ़ गया कि यहीं से ही लौट गया वापस। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर परमाणु मॉडल उन्होंने दिया और उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में वृत्ताकार घूमते हैं और इसका जो धनावेश भाग है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर विद्यमान रहते हैं। तो ये परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, लेकिन उन्होंने ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब नाभिक के चारों तरफ गति करते हैं तो वो विभिन्न तरंगों का उत्सर्जन करता है, उसमें से विकिरण उत्सर्जित होते हैं। तो विकिरण जब उत्सर्जित होंगी तब निरंतर उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कमी आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनकी कुछ कमियां भी रही। कमियां क्या रही, पहली कमी उन्होंने क्या बताई कि उन्होंने ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते हुए विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो जब विकिरणों का उत्सर्जन करेंगे तो निरंतर उनकी ऊर्जा में कमी आएगी तो क्या होगा, उनकी जो त्रिज्या वो धीरे धीरे कम होगी। किस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए, ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है, और निरंतर इसकी ऊर्जा कम होगी तो क्या इसकी त्रिज्या निरंतर यही बनी रहेगी, क्या त्रिज्या भी धीरे धीरे कम होगी, ऊर्जा कम होगी तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस प्रकार से गति करेगा, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करेगा, इसकी जो रेडियस है इसकी, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसकी त्रिज्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करते हुए विकिरणों का उत्सर्जन करता है, निरंतर प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा का विकिरण करेगा, उत्सर्जन करेगा, जब उत्सर्जन करेगा तो इसकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी तो इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी, ठीक है ना। और अंततः क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, और नाभिक के अंदर जब इलेक्ट्रॉन गिर जाता है तब परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर उदासीन हो जाते हैं, ये बात अपन जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है, तो धनावेश जब ऋणावेश से मिलेगा तो दोनों उदासीन हो जाएंगे, उदासीन होने पर पूरा परमाणु खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो परमाणु स्थायी कहा रहा, ऐसे तो सभी जो परमाणु हैं
सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगा के नाभिक में गिर जाएंगे और वो परमाणु खत्म नष्ट होता है ना ऐसा। लेकिन परमाणु तो स्थाई होता है, परमाणु खत्म नहीं होता, परमाणु नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे पहला पहले जो उसकी कमी रही वो ये रही कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। ये इसकी पहली कमी रही उनकी, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अनुसार ऐसा होना चाहिए था। फिर उन्होंने इस कमी को एक्सप्लेन नहीं किया कि ये कैसे स्थाई कैसे रह सकता है। तो एक तो कमी ये रही कि स्थायित्व की व्याख्या उन्होंने नहीं की कि परमाणु स्थाई क्यों रहता है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई, दूसरी बात इनके अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो प्रत्येक प्रकार के विकिरण का उत्सर्जन करेगा, अर्थात उत्सर्जित तीव्रता और जो आवृत्ति होगी वो प्रत्येक आवृत्ति प्राप्त होगी। ये अपने 13वें लेसन में पढ़ा था कि जब कोई भी प्रकाश डाला जाता है या उत्सर्जन होता है तो प्रत्येक आवृत्ति का उत्सर्जन करेगा, तब इसके द्वारा जो प्राप्त आरेख होगा वो रेखीय होना चाहिए। कि मान लो कोई भी वस्तु गति कर रही है और निरंतर उसे कोई पदार्थ नीचे गिर रहा है तो एक रेखा प्राप्त हो जाएगी और बीच में टूटेगी नहीं, वो रेखा नहीं टूटेगी ना, क्योंकि निरंतर उसमें से पदार्थ गिर रहा है। यहाँ पर पदार्थ का मतलब क्या है, ऊर्जा से है, यहाँ निरंतर ऊर्जा इससे गिर रही है, निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। और उसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसा प्राप्त होना चाहिए, सतत होना चाहिए। सतत का मतलब होता है लगातार, ठीक है ना। तो यहाँ जो अपन ग्राफ प्राप्त करते हैं, तीव्रता का ग्राफ जो प्राप्त करते हैं, वो ग्राफ हमें सतत प्राप्त होना चाहिए। किसके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार। लेकिन जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया और उससे जब आरेख प्राप्त हुआ तो प्रैक्टिकली किया गया, प्रैक्टिकल में ये देखा गया, प्रायोगिक रूप से पूरा आरेख प्राप्त किया गया तो वो प्राप्त रेखीय था। रेखीय ग्राफ प्राप्त हुआ, आरेख जो था वो कैसा था, रेखीय था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आरेख प्राप्त हुआ था जिसमें रेखीय का मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित होती हैं, उसके बाद में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तभी ऊर्जा का विकिरण करता है। अगर वो अपनी कक्षा में रहते हुए अगर घूम रहा है तब वो ऊर्जा का विकिरण नहीं कर रहा। ये बात रदरफोर्ड को पता नहीं थी। उनके अनुसार तो अपनी कक्षा में भी अगर घूमता रहे घूम रहा है अगर तब भी वो ऊर्जा का उत्सर्जन किए जा रहा है। तो एक तो स्थायी कक्षा नहीं बताई उन्होंने कि एक इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है, दूसरी बात उन्होंने ये नहीं बताई कि परमाणु का स्थायित्व कैसे संभव है। तो अगर एक स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता तो ऊर्जा का विकिरण नहीं करता, ऊर्जा का विकिरण नहीं करता तो हमें स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त होता, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता ना। तो ये एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त क्यों हो रहा है उसकी व्याख्या वो नहीं कर पाए, दूसरा परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या वो नहीं कर सके। तो ये कुछ कमियां उनमें रही, बात समझ में आ गई। तो इन कमियों को दूर करने के लिए फिर नील्स बोर नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने इन कमियों को दूर किया। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए फिर उन्होंने वापस प्रयोग किए, खूब आगे उन्होंने उस पर कार्य किया, शोध किया और उसके बाद में उन्होंने निष्कर्ष निकाले कुछ, और उन्होंने तीन परिकल्पनाएं दी थी जिन्हें अपन बोर की परिकल्पना कहते हैं, बात समझ में आई। तो ये रदरफोर्ड का आपके कंप्लीट हो गया। अब यहां आप एक बार देखोगे दो परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, इसी डायग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि कण जो वापस लौटा, एक अल्फा कण 180 डिग्री की कोण पर जो वापस लौटा वो किस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं कि कोई भी अल्फा कण, ये अल्फा कण का पथ है, इस अल्फा कण के पथ को अगर अपन सीधा बना दें, ऐसे एक सीधी लाइन बना दें और
इस नाभिक से हम किस पर लंब डालें, इस नाभिक से हम इस पर लंब डालें, तो ये जो दूरी है, ये जो लंबवत दूरी है, इसको हम व्यक्त करते हैं स्मॉल बी से, किसे, स्मॉल बी से, और इसको हम कहते हैं संगत प्राचल। ये बी क्या कहलाता है, संगत प्राचल कहलाता है। अल्फा कण के पथ पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई क्या कहलाएगा, संगत प्राचल स्मॉल बी कहलाता है। तो इसको आप नोट कर लें, किसी अल्फा कण के पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा पर नाभिक के केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई संगत प्राचल बी, स्मॉल बी के द्वारा व्यक्त करते हैं, कहलाती है। और इसका जो सूत्र है वो बी बराबर वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा बटे 2 अपॉन में ई। ये संगत प्राचल का फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको ये फॉर्मूला जो है आपके डिराइव किया हुआ नहीं है, या डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे, यहाँ स्क्वायर नहीं है, जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बटे 2 अपॉन में ई। ई क्या है यहाँ पर, गतिज ऊर्जा, और ये 1/2 a1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान है, के का मान है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर अपन ये माने कि कोई भी अल्फा कण जो सीधा नाभिक पर आ रहा है, नाभिक के बिल्कुल सीध में आ रहा है, अगर नाभिक से दूरी पर आ रहा है, जैसे देखो प्रत्येक कण पर आप लंब डाल के देख लो तो बी का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। देखो आप इस पहली लाइन पर लंब डालोगे तो बी का मान इतना होगा, इस दूसरी वाली लाइन पर, पहली लाइन पर लंब डालने पर इतना आएगा, दूसरा जो अल्फा कण है जो थोड़ा नाभिक के नजदीक है, नाभिक के नजदीक है तो बी का मान कम हो गया, तीसरी लाइन देखो ये अल्फा कण आ रहा है इस पर आप ये, तो ये बी का मान और कम हो जाएगा, और जो बिल्कुल नाभिक एकदम सीध में आ रहा है तो बी का मान कितना होगा, 0, बी का मान 0 होगा ना, उसके लिए जो बिल्कुल नाभिक के ऊपर ही आ रहा है, सामने ही आ रहा है, तो अब आप लंब काट डालोगे नाभिक के केंद्र से लंब डालोगे तो उसका मान तो 0 ही आएगा, आएगा ना 0। तो यहाँ बी का मान अगर 0 है किस कण के लिए, कौन से अल्फा कण के लिए, जो नाभिक के बिल्कुल सीध में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, उसके लिए बी का मान 0 होगा, होगा ना। तो यहां पर इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दें, नाभिक नाभिक की सीध में आने वाले अल्फा कणों के लिए, कणों के लिए b बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब b बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, देखो 1/4 को इधर गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 0 बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बटे दो बटे ई। यहां से इन सबको थीटा थीटा भी बता दूं, देखो ये थीटा है। स्पर्श रेखा से इस पथ पर बना हुआ कोण ये थीटा कहलाएगा। तो यहां पर ये बना हुआ कोण 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर जीरो हो गया, ई को इधर ये भी जीरो हो गया, जेड स्क्वायर इधर कर दे वो भी जीरो हो गया। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये क्या लिखा जाएगा, कोट थीटा बटे दो बराबर जीरो, ये आएगा कोट थीटा बटे दो बराबर जीरो। अब जीरो जो मान है कोट का वो किसका होता है, कोट नब्बे का मान जीरो होता है, कोट नब्बे का मान जीरो होता है, पता है ना आपको। कोट बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस, तो कोट बराबर कोस बटे साइन, कोस बटे साइन होगा ना, पता होगा आपको। वैसे कोट का तो मान यहाँ बता देती हूँ, कोट कोट बराबर होता है कोस बटे साइन। अब इसका मान जीरो लेना है, जीरो लेना है तो कोस नब्बे, यहाँ साइन नब्बे, कोस नब्बे का मान जीरो होगा, और जीरो में एक का भाग लगाते हैं तो जीरो ही आएगा, आएगा ना, तो कोट नब्बे का मान जीरो होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर लिख सकते हैं कोट पाई बटा दो, लिख सकते हैं ना कोट पाई बटा दो। तो यहाँ पर हमारे पास में सूत्र क्या आ जाएगा, हमारे पास में जो सूत्र आएगा वो क्या है ना, कोट थीटा बटे दो बराबर कोट पाई बटा दो। तो यहाँ कोण कोण के बराबर होगा, थीटा बटे दो बराबर पाई बटे दो, तो थीटा बराबर क्या आ गया, पाई आ गया। अच्छा ये जो किरण हो जाएगी ये वापस 180, यहाँ कोण कितना बनेगा 180 डिग्री। समझ में आएगा सबके, तो ये बात सिद्ध हो गई कि एक अल्फा कण जो है वो अगर नाभिक के बिल्कुल रेखा पर, नाभिक के बिल्कुल जो सीधा नाभिक ही उसका लक्ष्य है, नाभिक से डायरेक्ट वो टकरा रहा है अल्फा कण, तो वो वापस 180 डिग्री के कोण पर ही लौटेगा। ये बात इस संकट प्राचल के द्वारा सिद्ध हो जाती है, ठीक है। तो ये अब एक इसी से रिलेटेड एक बिंदु और है, निकटतम दूरी। निकटतम दूरी का मतलब क्या है कि निकटतम दूरी को व्यक्त करते हैं आर जीरो से। निकटतम दूरी वह दूरी है जहां से अल्फा कण लौटा था वापस नाभिक से, उसकी जो दूरी है, जैसे मान लो यहां नाभिक है, ये क्या है नाभिक, और एक जो कण है वो यहां से अल्फा कण इधर गति कर रहा है और यहीं से वापस लौट गया। तो नाभिक से और लौटने की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, आर जीरो। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये कहलाएगी निकटतम दूरी, मतलब कि अल्फा कण सबसे निकट कहां तक जाकर आया है, नाभिक के एकदम निकट किस बिंदु तक जाकर आया, ये निकटतम दूरी कहलाएगी। तो इसको परिभाषित अपन कैसे करेंगे कि अल्फा कण जिस बिंदु से लौट कर आता है उस बिंदु से नाभिक की दूरी निकटतम दूरी कहलाती है। तो अल्फा कण जिस बिंदु से लौट कर आता है उससे नाभिक की दूरी
निकटतम दूरी कहलाती है, निकटतम दूरी कहलाती है। अब यहां पर आप दोबारा देखिए कि कोई भी अल्फा कण अधिकतम गतिज ऊर्जा से और नाभिक की ओर गति कर रहा है और ये अल्फा कण खुद तनावेशित है, तो ये अल्फा कण अधिकतम गतिज ऊर्जा से जब तनावेशित की ओर ही आकर्षित होगा, तनावेशित की ओर ही अगर गति कर रहा है तो क्या होगा, देखिए इधर गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा है, धीरे धीरे जैसे जैसे नाभिक के पास जाएगा तो क्या उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या कम होगी, बताइए प्रतिकर्षित हो रहा है, मतलब ये कण इस अल्फा कण को प्रतिकर्षित कर रहा है, धक्का दे रहा है वापस, तो इसके वेग में धीरे धीरे क्या होगी, कमी होगी, इस अल्फा कण का वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा और कम होते होते यहाँ इस बिंदु पर जहां से ये वापस लौट कर आता है इस बिंदु पर उसका वेग शून्य हो जाएगा, अर्थात अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे कौन सी ऊर्जा में बदल रही है, स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि गतिज ऊर्जा में कमी आएगी तो कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, तो अपन ज्ञान में बहुत पढ़े अपन ने, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा खूब हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना, तो गतिज ऊर्जा में कमी जितनी कमी आई उतनी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, फिर धीरे धीरे कण और नजदीक आया और गतिज ऊर्जा कम हुई तो स्थितिज ऊर्जा और बढ़ गई और अंततः इस बिंदु पर एक क्षण के लिए वह अल्फा कण रुकेगा और फिर वापस लौट कर आएगा। ये गति ठीक वैसी है जैसे अपन किसी पिंड को ऊपर की ओर उछालते हैं, ऊपर की ओर उछालने पर क्या होगा, धीरे धीरे उसकी जो गति ऊर्जा है कम होती है और कम होते होते एक बिंदु पर कण रुकता है और फिर वापस बॉल पर ऊपर फेंकता है ना, तो एक क्षण के लिए वो एक बिंदु पर रुकेगी, उस बिंदु पर स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी और गति ऊर्जा होती है शून्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन वो निकालते हैं सूत्र, तो यहाँ गतिज ऊर्जा एक बटा दो एम वी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद है ना आपको, अपन ने पीछे पढ़ रखा है दो आवेशों के लिए, के क्यू वन क्यू टू बटे आर, के क्यू वन क्यू टू बटे आर, और कौन सी दूरी, ये न्यूनतम दूरी आर, तो क्यू वन कौन है, ये नाभिक जिस पर आवेश कितना है जेड ई, और ये अल्फा कण इस पर आवेश कितना होता है टू ई, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा देखिए इस आरजे को हमारे निकालना है तो एम वी स्क्वायर को नीचे ले आओ और यहां पर आप फॉर्मूले लिख सकते हो, दिया जाएगा आर जीरो बराबर के टू ई जेड ई बटे में एक बटा दो एम वी स्क्वायर, एक बटे दो एम वी स्क्वायर को आप ऊर्जा गतिज ऊर्जा लिख सकते हो, ई लिख सकते हो, तो यहां ये आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो किसका माना गया, के का माना गया, और टू जेड ई स्क्वायर बटे ई, ये निकटतम दूरी का फॉर्मूला गया, तो अपन ने संगत प्रसार वाला फॉर्मूला पढ़ा और ये हमने एक निकटतम दूरी का फॉर्मूला, तो ये दो बिंदु इसमें कई बार परिभाषा आती है, एक नंबर की संगत प्रसार को परिभाषित कीजिए या निकटतम दूरी को परिभाषित कीजिए क्या होता है, इसका सूत्र लिखिए या ये बात सिद्ध कीजिए कि अल्फा कण वापस लौट कर क्यों आता है, 180 डिग्री का कोण कब बनता है, तो ये सब बातें कई बार पूछी जाती हैं, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है रदरफोर्ड प्रयोग, बात समझ में आ गई, सबके नोट्स मैंने भिजवा दिए थे आज रदरफोर्ड के, कमियां तक भिजवा दी थी मैंने, उसके बाद ये संकट प्राचल वाला पॉइंट मैंने यहाँ पढ़ा दिया, यहाँ से आप लिख लेना, यहाँ वाली भी फोटो मैं आपको भेज दूंगी और कल अपन पढ़ेंगे बोर मॉडल, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।